बहुत ही शानदार एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे सबा खान ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह का एक्सपो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे हैदराबाद में। काफ़ी 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 अच्छा रिस्पांस आया, मैं अभी इधर आया हूँ, अगर इन्हें बुलाए तो आऊँगा। हमारे खास मेहमान है, आप देख रहे पब्लिक का क्रेज गुल्लू भाई के लिए, तो कैसा नहीं बुलाते। अकबर बिन तबर को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अकबर भाई हमारे जो अकबर बिन तबर हैं, तो उनसे भी जो है बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 16 सितंबर बरोजे हफ्ते को आसिफ नगर में वाक़े रॉयल रीजेंसी गार्डन्स में बड़े ही अजीम शान पैमाने पर सबा खान की जानिब से नुमाइश 2.0 का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। इस शानदार एक्सपो में मेहमान खसूसी के तौर पर शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ एंकर व कॉमेडियन किंग अदनान साजिद खान उर्फ गुल्लू दादा, के बी जानी, सुरों का समंदर, समी सौदागर और दिगर कई सारे लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर अवाम के सरों का भारी समंदर देखा गया, जिसमें कई लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए तो कई लोग यहाँ पर लगाए जाने वाले जायकेदार स्टॉल्स का मज़ा लेने, या फिर कई सारी तादाद में लोग अपने अपने पसंदीदा स्टार्स की एक झलक देखने के लिए आए हुए थे। इस एक्सपो में कई सारे फूड स्टॉल्स, मलबूसात का भरपूर कलेक्शन, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर्स, हैंडबैग्स, एक्सेसरीज, घर के आरायश के साजो सामान के लिए कई सारी अशिया एक ही छत तले दस्तियाब थी। आवाम की कसीर तादाद ने इस एक्सपो में पहुंचकर इस एक्सपो को बड़ी ही शानदार तरीके से कामयाब बनाया। सभी वहां पर मौजूद स्टार्स ने आवाम के लिए बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी किया, जिसके चलते आवाम बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो गई थी और यहां पर आने वाली आवाम ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी किया और फिर अपने स्टार्स के साथ सेल्फीज लेने के लिए भी सभी बेचैन देखे गए। बहरहाल सबा खान की जानिब से ये दूसरा एक्सपो भी बड़ी ही शानदार तरीके से कामयाब रहा और इसी तरह के शानदार एक्सपोस बार बार लगाने की गुजारिश भी की गई। वहां पर आने वाले तमाम स्टार्स ने एशियन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए अपने ख्यालात का भी इजहार किया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहां के चंद मनासिर। पेश है अकबर प्रोडक्शंस की एंकर हसन अली के साथ एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम सर, इस एक्सपो में सबा खान के साथ कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे सबा खान ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह का एक्सपो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे हैदराबाद में। काफ़ी 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 अच्छा रिस्पांस आया, मैं अभी इधर आया हूँ और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। इस तरह के एक्सपो होने से लोगों के घर के औरतों को, बच्चों को बाहर निकलने का थोड़ा मौका मिलता, थोड़ा उन लोगों का भी दिल बहलाई होती है और शॉपिंग भी हो जाती है, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये एक्सपो करने का, और ख़ास बात यह है कि ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और पब्लिक की डिमांड है कि एक्सपो होना चाहिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट एक्सपो कुछ? जी हाँ बिल्कुल, ये साल में एक दो बार होना चाहिए इस तरह के एक्सपो, बताया ना भाई, बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑर्गेनाइज सबा खान ने जो है ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट एक्सपो में इंशाल्लाह आएंगे सर, नेक्स्ट एक्सपो में भी आएंगे गुल्लू भाई, अगर इन्हें बुलाए तो आऊंगा। हमारे खास मेहमान है, आप देख रहे पब्लिक का क्रेज गुल्लू भाई के लिए, तो कैसा नहीं बुलाते। जी जरूर जी, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत रिस्पेक्ट है, और अभी क्राउड का इतना उनके लिए क्रेजी पन देख के, या अपने को तो ऐसा है कि मेरे हर एक्सपो में मेरे स्पेशल गेस्ट गुल्लू भाई रहेंगे इंशाल्लाह। अकबर बिन तबर को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं उनकी तरफ से, अब अकबर तो है नहीं यहाँ, तबर यहाँ दुबई में है, तो उनकी तरफ से मैं यहाँ पर जो हूँ, तो अकबर भाई हमारे जो अकबर बिन तबर हैं, तो उनसे भी जो है बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। गुल्लू भाई 2007 की याद दिला दिए रिमाइंडिंग में। हाँ बिल्कुल 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 2007 की। कैसा लगा प्रोग्राम में? बहुत बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, माशाल्लाह सबा मैम ने जो काम किया है, ये ऐसी नुमाइश मैंने पहली बार देखी और पहली बार इस नुमाइश में परफॉर्म करने का मौका मिला। यूजुअली क्राउडेड शोज तो करते हैं, बट ऐसे प्रोग्राम करने का मौका आज तक नहीं मिला था, बट फॉर्चुनेटली, और बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा सबा मैम को
कि उनकी वजह से ये मौका मिला। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए क्या इंटेंशन है? हाँ जी डेफिनेटली, हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट और धूम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, कैसे हैं आप? कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जो आर्टिस्ट परफॉर्म करना चाहता उसको बेहतरीन प्लेटफॉर्म सबा खान ने दिया है। और एक्सपो का मतलब ये होता है कि भाई एक छत तले सारी चीज़ें दस्तियाब होती है और अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। वही मकसद के तहत सेकेंड एक्सपो काफ़ी कामयाब है। अभी पब्लिक का क्राउड रहा है और ब्रोथ लाने चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एक्सपो साल में 2-3 बार कम से कम होना चाहिए। नहीं पब्लिक 2-3 बार बल्कि हाँ बिल्कुल नहीं, एक्चुअली सीजनली अगर रहा तो द बेस्ट पब्लिक आती ही आती 100%। और देखिए खास बात क्या है, हर किस्म का अट्रैक्शन यहाँ पर है जिसकी वजह से भी जो है लोग जुड़ रहे हैं और लोग आ रहे हैं और काफ़ी खुश है, क्योंकि ऑडियंस से समझ में आता है कि भाई ऑडियंस खुश है नहीं है। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। बात करते हैं फरहान भाई से, जो एक्सपो शो के हिस्सा है, कैसा लगा सर आपको? बस बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, उससे मिलकर सब अच्छा लगा, हमारे खास करके गुल्लू सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सभा मेरे खास फ्रेंड है माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे जिसको आते रहेंगे इंशाल्लाह और इंटरटेनमेंट आप लोगों को मिलते रहेगा और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है इंशाल्लाह वो जरूर। नेक्स्ट एक्सपो में क्या इंटेंशन है? इंशाल्लाह बहुत और इससे अच्छा ग्रैंड रहेगा, आप लोगों को बहुत सारे उसमें चीज़ें मिलेंगे और बहुत सारा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा।